हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियो डाल रही हूँ और मुझे जो है यूट्यूब पे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मतलब जब से मैंने ये ब्लॉग चैनल बनाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और परेशानी का रीज़न मैं क्या बताऊँ आप सभी को, तो मतलब कि कहते हैं ना कि आदमी कोई जो है कोई काम करता है और उसको खुशी नहीं मिलती है तो फिर उसको वो काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये ब्लॉग चैनल मेरे लिए नहीं है, हूँ कि मैं ये जो चैनल है इसको बंद कर दूँ, लेकिन आप सबका इतना प्यार मिलता है तो फिर आप लोग बोलते हैं कि नहीं मत कीजिए ऐसा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बार बार हर्ट करती हैं, तो मेरा मन नहीं लगता है करने में। जब मैं YouTube पे आई थी और तो मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। YouTube पे आने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली है और मैं जो हूँ यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे मुझे भाई मिले, बहन मिले, बहुत अच्छा लगा। और ये खुशी मुझे तब तक थी जब तक मैं पुष्पलता किचन चैनल पे थी, तब तक मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि वहाँ पे जो है मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी। मैं अपनी जो भी रेसिपी शेयर करती थी, जो भी मैं बनाती थी, उससे एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती थी। लेकिन ये चैनल बनाने के ब्लॉग चैनल बनाने के बाद जो मैं जो हूँ परेशान रहने लगी हूँ, काफ़ी मैं परेशान हूँ। और मैं वो सब आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ। तो आप लोग क्या बोलते हो, मतलब ब्लॉग चैनल बना के मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे बंद कर देना चाहिए कि बनाते रहना चाहिए अपना वीडियो? आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ नहीं बस समझ में आ रहा है मुझे, और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे छोटी सी छोटी जो बात होती है ना बहुत ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से मैं दुखी हूँ। मैं वो सब नहीं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, मतलब जैसा आप लोग मुझे देखते हैं मैं शायद वैसी नहीं हूँ। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। कोई भी 100% खुश नहीं रहता है, भगवान किसी को भी 100% खुश नहीं रखता है। ये बात मेरी बिल्कुल सही है, आप भी देखना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है। किसी को मायके से तकलीफ़ होती है, किसी को ससुराल से तकलीफ़ होती है, किसी को हस्बैंड से तकलीफ़ होती है, किसी को अपने बच्चों से तकलीफ़ होती है, किसी को, हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख ज़रूर होता है। तो उसी तरह मेरी लाइफ में भी है, आगे चल के हो सकता है मैं आप सबके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करती हूं आप लोगों के साथ। अच्छे से मैं बात करती हूं, अपनी वीडियो बनाती हूं, खुद को बिजी रखती हूं, हर कुछ मैं करती हूं, लेकिन जो YouTube है ये जो है शांति से आपको काम नहीं करने देता है। आप चाहें कि आप शांति से अपना काम करें तो कोई नहीं करने देगा आपको। आप आगे बढ़ोगे तो आपको पीछे धकेलेगा, यही काम होता रहता। और यहाँ पे एकदम भेड़ चाल हो गई है, अगर कोई आगे जा रहा है तो लोग उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी थिंकिंग होती है अलग अलग होती है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले मैं खुश थी, इस चैनल को बनाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लगता था कि हाँ मैंने कुछ किया है,
मैं कुछ कर रही हूँ अपनी खुशी से करती थी, खुशी के लिए करती थी, ये भी मैं करती हूँ। इस चैनल पे भी मैं अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं जो अपने ब्लॉग डालती हूँ ये आगे चल के मेरी बेटी बड़ी होगी तो देखेगी मम्मी मैं कैसे करते थे क्या करते थे। तो इस तरह से हमारा एक मेमोरी जो है यहाँ पे इकट्ठी हो रही है जो कि आगे चल के हम देखेंगे हमने क्या क्या काम किया, कैसे किया, क्या किया। तो बस इसीलिए मैंने ये ब्लॉग चैनल बनाया था। मैंने जो है इसलिए नहीं बनाया था कि मैं यहाँ पे आके मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो जाऊँ या मैं प्रमोशन कर लूँ, करवा लूँ, या मतलब मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ मैं अपने खुशी के लिए इस चैनल को मैंने बनाया था। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये चैनल जो हूँ केवल पैसा कमाने के लिए बनाई हूँ, तो ये उनकी गलतफहमी है जो भी ऐसा सोचते हैं। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी मेमोरी के लिए बनाया है। मैं चाहती हूँ कि मैं ये करती रहूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसे कमेंट मिल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है सुन के। अब मेरी गलती कहाँ पे हुई है अब वो मुझे नहीं समझ में आती है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से ऐसा मुझे सुनना पड़ता है। आप लोग समझो मुझे, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, मैं खुद मेहनत करना चाहती हूँ, मेहनत करती हूँ। आज मेरे इस चैनल पर 300 वीडियो हैं और मैं लगातार लगातार मैं इस पे 24 अगस्त से काम कर रही हूँ और 10 महीने हो चुके हैं इस चैनल को मुझे बनाए हुए, और 10 महीने में लगभग 300 के करीब वीडियो हैं इस पे। तो ये बिना मेहनत के नहीं हुआ है और न किसी के प्रमोशन से हुआ है, न किसी के कहने से हुआ है, ये मेरी मेहनत है। मेहनत की वजह से ही मैं इतना मेहनत की हूँ, डेली ब्लॉगिंग की हूँ, डेली वीडियो डाली हूँ और विदाउट किसी गैप के डाली हूँ, और मैं मेहनत करना चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ। मैं खुद पे भरोसा रखती हूँ। मेरा कहना बस यही है कि अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक चैनल ऑलरेडी मेरा हो चुका है, कब से मोनेटाइज है वो, और ये मेरा जो है दूसरा चैनल है। अगर मुझे केवल इसको खेल खेल में लेना होता या फिर मुझे काम नहीं करना होता सीरियसली, तो मैं फिर क्यों इतना मेहनत करती, इतना वीडियो क्यों डालती, मैं डेली ब्लॉगिंग में क्यों करती, मैं क्यों इतनी मेहनत करती, मैं कैसे भी करा लेती, है ना। आजकल चैनल मोनेटाइज कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चैनल बहुत आसानी से मोनेटाइज हो जाते हैं। कि सोच क्या है, मतलब किसी के लिए भी आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ सोच के तो बोलो कि आप किसके लिए क्या बोल रहे हो। सामने तो देख तो लो सामने वाला क्या कर रहा है। वो केवल प्रमोशन से चैनल ग्रो कर रहा है कि अपने मेहनत से ग्रो किया है, कैसे किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आगे से ऐसे कमेंट ना करें, ऐसे मुझे सुनने को ना मिले, क्योंकि इस ऐसी बातें सुनने से बहुत हर्ट होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने को नहीं मिलेंगी। और मैंने आपको सब बता दिया है कि इस तरह क्यों हमें इस चैनल पे बनाई हूँ, क्या है, क्या किया मैंने, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो आज के वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में, अगर मुझे सच है वही मैंने बोला है। तो चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।